आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मौसम का पूर्वानुमान समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से महेश रावलानी की रिपोर्ट। मौसम विभाग के सूत्रों के हवाले से जो भी मौसम का पूर्वानुमान उनके द्वारा संकलित किया गया है वो आपके साथ साझा किया जा रहा है। सोमवार 25 जुलाई और मंगलवार 26 जुलाई को मौसम का मिजाज किस तरह का रह सकता है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। रविवार 24 जुलाई और सोमवार 25 जुलाई की दरमियानी रात 12 बजे के लगभग सिवनी से दक्षिण की तरफ और पूर्व की तरफ, दक्षिण पूर्व और पश्चिम अर्थात बरघाट छिंदवाड़ा इस ओर जबरदस्त बारिश रात 12 बजे हो सकती है। लोगों का कहना है कि सिवनी अर्थात सिवनी जिला होता है और ज़िले में जहां बताया जो पूर्वानुमान होता है वहां बारिश हो सकती होने की उम्मीद रहती है। हो सकता है शहर में उस समय बारिश ना हो रही हो, बहरहाल रात 12 बजे के हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद रात में 12 बजे के बाद लगातार ही बारिश जारी रह सकती है और सुबह सवेरे 5 बजे बारिश का क्रम हल्का सा रुकने की संभावना, 7 बजे के लगभग बूंदाबांदी की संभावनाएं बनती दिख रही हैं। 7 बजे से 1 बजे के बीच बूंदाबांदी, कई स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है और उसके बाद लगभग 5 बजे शाम, सोमवार को 5 बजे शाम के लगभग सिवनी से बरघाट, सिवनी से कानीवाड़ा, कानीवाड़ा से केवलारी के बीच में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। 7 बजे के बाद जिले भर में कहीं कहीं बारिश बूंदाबांदी की संभावना है। रात 12 बजे के लगभग कानीवाड़ा केवलारी के बीच थोड़ा सा बारिश का वेग बढ़ सकता है। 26 जुलाई को किस तरह का रह सकता है मौसम का पूर्वानुमान ये हम आपको बताते हैं। 26 जुलाई को रात 3 बजे के लगभग सिवनी शहर से अगर दक्षिण की ओर आप जाएंगे तो वहाँ पर बारिश थमी हुई या हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है, बाकी जगह बारिश थमी रह सकती है। और 7 बजे सुबह बारिश 26 तारीख को थमी हुई आपको नज़र आ सकती है। 11 बजे के लगभग हल्की फुल्की बूंदाबांदी की संभावना है और 2 बजे के आसपास धूमा, कहानी, लखनादौन इन स्थानों को छोड़कर बाकी शेष जिले में बारिश होने की संभावना है जो 5 और 7 बजे तक जारी रह सकती है, बीच बीच में रुक रुक कर। 8 बजे के लगभग घनसौर क्षेत्र में थोड़ा सा बारिश का वेग ज़्यादा रह सकता है, केवलारी के आसपास भी बारिश का वेग रह सकता है। रात 10 बजे तक इसी तरह की स्थिति और मंगलवार 26 जुलाई, बुधवार 27 जुलाई की दरमियानी रात 12 बजे भी बारिश होती हुई आपको प्रतीत हो सकती है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से महेश रावलानी की रिपोर्ट। अब हम आपको बिजली की कड़कन तड़कन के बारे में बताते हैं। सोमवार 25 जुलाई और मंगलवार 26 जुलाई की दरमियानी रात 12 बजे के लगभग रात में बिजली कई स्थानों पर जिले में चमकती हुई आपको दिख सकती है। गर्जना बहुत ज़्यादा नहीं रहने की उम्मीद। 7 बजे के उपरांत फिर गर्जना और चमक सब कुछ दिन भर शायद ही कभी दिखे और 5 बजे शाम के बाद कानीवाड़ा बरघाट यहाँ गर्जना, हल्की फुल्की गर्जना और चमक दिखाई दे सकती है। 8 बजे के लगभग लखनादौन धूमा को छोड़कर बाकी जगह चमक बिजली चमकती हुई दिख सकती है जो रात 12 बजे तक जारी रह सकती है। 26 जुलाई को रात को लगभग 5 बजे तक बिजली कहीं नहीं चमकती हुई आपको दिखाई दे सकती है जैसा मौसम विभाग के सूत्रों ने बताया और 3 बजे के उपरांत लखनादौन, कहानी, घनसौर, बरेला, धूमा इन स्थानों को छोड़कर शेष सिवनी जिले में बिजली की गरज हल्की फुल्की सुनाई दे सकती है और चमक भी दिखाई देने की उम्मीद है। शाम 6 बजे के लगभग कहानी, घनसौर, बरेला इन क्षेत्रों में थोड़ी सी बिजली की चमक थोड़ी हल्की फुल्की तेज रह सकती है और 8 बजे रात को घनसौर, कहानी, बरेला में बिजली की गर्जना थोड़ी ज़्यादा सुनाई पड़ सकती है, शेष जगह बिजली चमक सकती है, बादल घुमड़ सकते हैं। रात 12 बजे के लगभग 26 और 27 जुलाई की दरमियानी रात 12 बजे के लगभग बरेला के आसपास ही बिजली कहीं कहीं चमकती दिख सकती है। अब हम आपको तापमान के बारे में बताते हैं, उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे हवाओं की दिशा और गति के बारे में। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से महेश रावलानी की रिपोर्ट। मौसम विभाग के सूत्रों के हवाले से उनके द्वारा जो भी मौसम का पूर्वानुमान संकलित किया गया वो आपके साथ साझा किया जा रहा है। 12 बजे रात में 24 और 25 जुलाई की दरमियानी रात 23 से 24 के बीच तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। सुबह 6 बजे के लगभग तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद।
10 बजे दिन में तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद। 1 बजे दिन में सोमवार को तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद। शाम 5 बजे के लगभग 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहने की उम्मीद। रात 10 बजे 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहने की उम्मीद। 12 बजे रात को 25 और 26 जुलाई की दरमियानी रात 12 बजे 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहने की उम्मीद मौसम विभाग के सूत्रों के द्वारा बताई गई है। 26 जुलाई को सुबह 5 बजे 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहने की उम्मीद। सुबह 9 बजे मंगलवार 26 जुलाई को 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहने की उम्मीद। 11 बजे के उपरांत तापमान 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद। 2 बजे के लगभग तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। 5 बजे शाम को तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद। 8 बजे रात को मंगलवार 26 जुलाई को 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रह सकता है। और रात 12 बजे के लगभग 26 और 27 जुलाई की दरमियानी रात 12 बजे के लगभग 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रह सकता है। अब हम आपको हवाओं की दिशा और गति के बारे में बताते हैं। 24 और 25 जुलाई की दरमियानी रात 12 बजे के लगभग हवाओं की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, हवाओं में बहुत ज़्यादा गति रहने की उम्मीद नहीं। हवाएं लगभग सामान्य ही चलती प्रतीत हो सकती हैं। सुबह 7 बजे के लगभग लखनादौन दूमा यहां हल्की फुल्की तेज अर्थात दरख्त पर पत्ते आपको हिलते हुए देख सकते हैं। हवाओं की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर रहने की उम्मीद। 10 बजे तक यही स्थिति लगभग बनी रह सकती है और उसके उपरांत 11 बजे के लगभग 2 बजे दिन के लगभग हवाओं की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर और हवाओं में बहुत ज़्यादा गति शायद ही रह पाए। 25 जुलाई को हवाएं बहुत तेज चलने की उम्मीद नहीं। रात 12 बजे के लगभग हवाओं की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर, हवाओं में गति बहुत ज़्यादा प्रतीत नहीं होगी आपको, जैसा मौसम विभाग के सूत्रों के द्वारा बताया गया है। और इसके उपरांत मंगलवार 26 जुलाई को हवाओं की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर, हवाएँ हल्की फुल्की अर्थात पेड़ पर आपको पत्ते हिलते हुए देख सकते हैं। इसके बाद हवाएं लगभग थमी ही नज़र आ सकती हैं, जो रात 12 बजे अर्थात 26 और 27 जुलाई की दरमियानी रात 12 बजे इसी तरह का नज़ारा रह सकता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से महेश रावलानी की रिपोर्ट। मौसम विभाग के सूत्रों के हवाले से उनके द्वारा जो भी मौसम का पूर्वानुमान संकलित किया गया वो आपके साथ साझा किया जा रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में अगर आपको मौसम के अपडेट, लिमटी की लालटेन, अन्य वीडियोज़ पसंद आ रहे हो तो आप उन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। 2 दिन का मौसम का पूर्वानुमान लेकर हम फिर हाजिर होंगे। फिलहाल इजाज़त लेते हैं। जय हिंद।